मैं उस माहौल की बात नहीं कर रहा था, मेरा कहने का मकसद है कि टीम में जब बार बार तब्दीली होती है ना, कप्तान तब्दील, पीसी के चेयरमैन तब्दील, वो बड़ा नेगेटिव डालता है, तो वो साइकोलॉजिकली आपको हिट करता है, पता नहीं कौन कप्तान होगा, हर किसी के साथ मेरी एडजस्टमेंट होगी नहीं होगी, नई सिलेक्शन कमेटी, नया कोच, ये रैपिड चेंजेस बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो स्टेबिलिटी हर एक चीज, जब तक स्टेबिलिटी नहीं रहेगी तब तक परफॉर्मेंस जो इफेक्ट होती रहेगी। अभी वो साइम को चांस देंगे, गैरी क्रिस्टन आए हैं तो वो काम कर रहे हैं साइम के साथ। मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि साइम के साथ अब लेट हो गया, इनको पहले फैसला कर लेना चाहिए था, 5-6 मैचेस पहले, कोई टीम आखिर तक ये कंफ्यूजन में नहीं रहती है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, अच्छे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। मेरा ख्याल है रिजवान को ओपन करना चाहिए, क्योंकि आपको एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाने का कुशन मिल जाएगा, जो अभी नहीं मिल पा रहा, जिस वजह से अबरार नहीं खेल रहे हैं। तो बाबर रिजवान की जो स्टाइल है बैटिंग का, वेस्ट इंडीज में पिचेस भी आपको ज्यादातर ऐसी मिलेंगी 150-160 वाली, जो उनकी ओपनिंग को सूट करती है। हमारे साथ मौजूद है स्पोर्ट्स तजियाकार अहमद नजीब सत्ती साहब। सत्ती साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहले मैच के बाद तीसरा मैच भी बारिश की वजह से ना खेला जा सका, तो अब आपको क्या लगता है कि मैच मंसूख होने से किस टीम को ज्यादा फायदा हुआ? लाजमी बात है पाकिस्तान को। वो कैसे? उन्होंने वैसे मुश्किल था जीतना। देखिए, इंग्लैंड जो है इस वक्त दुनिया की सबसे डेंजरस साइड है T20 क्रिकेट की, उनके पास बैटिंग तो शुरू से ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, बॉलिंग में वो स्ट्रगल करते थे, लेकिन जोफ्रा आर्चर आ गए हैं वापस, उसके कुछ बॉलर वापस आए जैसे क्रिस जॉर्डन है, अभी मार्क वुड को उन्होंने खिलाया नहीं था, वो दुनिया के तेज तरीन बॉलर है इस वक्त, तो इतनी बॉलिंग भी स्ट्रांग हो गई है, स्पिन भी स्ट्रांग है। हम तो वो जैसे होता है ना, लुटे पुटे होते हैं, आज उसको खिला लो, आज इसको खिला लो, वो तो हम तो एक स्टेट, तो मतलब ये बारिश से दो मैच गए हैं, तो वो आप कहेंगे एक तरफ से तो हमारा नुकसान है कि थोड़ी प्रिपरेशन में कमी आ गई है, लेकिन दूसरी तरफ से आपको पता है जब ह्यूमिलेशन होती है तो फिर उस पर इतना सख्त जो है वो रिएक्शन भी आता, तो मैं समझूंगा कि थोड़ी सी। सत्या साहब, हमें ये बताएं कि अब आखिरी मैच जो होगा कल, उसमें कौन जीतेगा, क्या लगता है आपको? देखिए, जीतने का तो अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन एक ऑन पेपर इंग्लैंड स्ट्रॉन्ग टीम है पाकिस्तान से, एक केमिस्ट्री वाइज अपनी होम कंडीशंस में भी खेल रही है, और उनकी जो टीम के जो बैलेंस है वो पाकिस्तान से बेहतर है, लेकिन ये T20 क्रिकेट है, आप किसी टीम को राइट ऑफ नहीं कर सकते। पाकिस्तान की टीम के हवाले से हमेशा ये चीज तय है कि इस टीम से आपको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ये जीतने पे आए तो बड़ी बड़ी टीम को अपने दिन पे हरा दे, हारने पे आए तो छोटी टीम से हार जाए, इसलिए कभी पाकिस्तानी टीम को प्रेडिक्ट मत करें। लेकिन अहमद, ये हमेशा कहा जाता है पाकिस्तानी टीम के बारे में कि अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई खासियत होती है, बिकॉज आप अगर कंसिस्टेंट रहें, आप कंसिस्टेंसी के साथ जीते हैं, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर सिचुएशन होती है। अब ये बताइएगा कि ये सीरीज जीतना कितना ज़रूरी था वर्ल्ड कप से पहले? देखिए, आपकी बात 100% दुरुस्त है कि ये जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी का टैग हमारे साथ है वो इसलिए है कि हमारी क्रिकेट बेहतर नहीं है, तो उसी वजह से हम अनप्रेडिक्टेबल है। प्रिडिक्टेबल वो टीम्स होती है जिनका सिस्टम अच्छा होता है, सेटअप अच्छा होता है, वो जीतती हैं ज्यादातर, तो वो प्रिडिक्शन उनके लिए आसान हो जाती है कि यार ये ज्यादातर मैचेस जीतेंगे क्योंकि टीम ही अच्छी है, तैयारी के साथ आ रहे हैं ना। तो दूसरा ये कि पाकिस्तान के लिए सीरीज जीतना कॉन्फिडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इंग्लैंड एक बड़ी टीम है, ऐसी टीम को आप हरा कर जब आगे किसी मेगा इवेंट में जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी हाई होता है, आपको अपनी गेम पे ज्यादा ट्रस्ट आने लगता है। तो जो ये बारिश से दो मैच मुतासर हुए हैं, ये इन्होंने पाकिस्तान की जो प्रिपरेशन पे काफी डेंट डालेगा, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन ट्राई करना चाह रहे होंगे वो नहीं कर पाएंगे, तो आखिरी मैच पाकिस्तान के लिए डू एंड डाई होगा, कि वो इसलिए कि इसको कि अपने मोराल को हाई करें, क्योंकि हमने कोई वार्म अप मैच भी नहीं खेला, डायरेक्ट जाके वर्ल्ड कप मोराल तो हाई करना पड़ेगा। अच्छा सती, हमें ये बताएगा, काफी अर्से से हम देख रहे हैं कप्तान, जो नायब कप्तान का मामला है वो तातुल का शिकार है, वर्ल्ड कप के लिए भी स्क्वाड का ऐलान किया गया मगर नायब कप्तान का नाम सामने नहीं आया, क्या वजह? पीसीबी वजह, इन्होंने तबाह किया पाकिस्तान के सारे सेटअप। देखिए, बाबर आजम कप्तान थे तो टीम के अंदर एक यूनिटी थी, ठीक है, बाबर आजम का हटना बनता था 2023 के वर्ल्ड कप के बाद, लेकिन जिस तरीके से जबरदस्ती हटाया गया वो एक ज्यादती थी। फिर आउट ऑफ द नोवेयर शाहीन को बना दिया, फिर एक सीरीज बाद उनको हटा दिया, फिर आउट ऑफ द नोवेयर बाबर को बना दिया, ये इतना गंदा कर दिया सिस्टम, इतना इसको डर्टी कर दिया कि बदनामी की वजह से कोई प्लेयर इस बदनामी को अब गले लेने को तैयार नहीं है कि आज बनाएंगे पता चले दो सीरीज बाद हटा दें, तो इसलिए डेफिनेटली ये जो है ना कोई लेने को तैयार नहीं है। और अभी क्या लग रहा है कि बाबर आजम ने जिस तरह फैसला किया कि वो वन डाउन आएंगे, तो फिर ओपनिंग आपको क्या लग रहा है कौन करेगा, क्योंकि ये तो हमेशा से डिलेमा रहा है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का एक स्टेबल ओपनिंग? देखिए, मेरा ख्याल है कि अभी वो साइम को चांस देंगे, गैरी क्रिस्टन आए हैं तो वो काम कर रहे हैं साइम के साथ। मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि साइम के साथ अब लेट हो गया, इनको पहले फैसला कर लेना चाहिए था 5-6 मैचेस पहले, कोई टीम आखिर तक ये कंफ्यूजन में नहीं रहती है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं,
अच्छे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। मेरा ख्याल है वहां पर रिजवान को ओपन करना चाहिए, क्योंकि आपको एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाने का कुशन मिल जाएगा, जो अभी नहीं मिल पा रहा, जिस वजह से अबरार नहीं खेल रहे हैं। तो बाबर रिजवान की जो स्टाइल है बैटिंग का, वेस्ट इंडीज में पिचेस भी आपको ज्यादातर ऐसी मिलेंगी 150-160 वाली, जो उनकी ओपनिंग को सूट करती है। सो मेरे हिसाब से राय में अगर बेस्ट बाबर रिजवान, ठीक है, अच्छे प्लेयर हैं, उनकी गुज़िश्ता जो परफॉर्मेंसेज है वो भी बड़ी बेहतरीन रही। अभी अगर बाबर और रिजवान ओपन करते हैं तो फिर मिडिल ऑर्डर और इस तरह से नीचे कौन आसरा देगा टीम को? देखिए, बाबर रिजवान अगर ओपन करेंगे तो आपके पास, आप तीन पे फखर को ला सकते हैं। फिर आपके पास चॉइसेस हैं शादाब की, इफ्तिखार की, आजम की, इमाद वसीम, बहुत कैपेबल बैट्समैन। अभी तो आप देखिए उसकी बैटिंग नहीं आ रही इमाद की, वो पूरा बैट्समैन है, लोगों को अभी पता नहीं। वो तो मेरे साथ स्कूल में भी थे ना, अच्छा, वो प्रॉपर बैट्समैन था, वो बैट्समैन था जो के बॉलर उसकी बॉलिंग नहीं है, वो बैटिंग ऑलराउंडर था। उसकी फर्स्ट क्लास में 38 की एवरेज थी, 7-8 फर्स्ट क्लास सीजन खेल कर आया था इमाद वसीम पाकिस्तानी टीम में। हम भूल गए हैं शायद कि हम उसको बॉलर समझ रहे हैं, वो प्रॉपर बैट्समैन है। तो अभी आपके पास बैटिंग में डेप्थ है, सिर्फ उनको ठीक तरीके से हमने पाकिस्तानी टीम को इस्तेमाल करना है। और अभी जब वर्ल्ड कप हम देख रहे हैं आगे, तो कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए? यूएसए की आपने देखी होगी परफॉर्मेंस, यूएसए जीत रही है। ठीक है, जिस ग्राउंड में यूएसए ने जीता है ना, वहां पर वो खेलते बहुत हैं, तो उनको लोकल कंडीशंस का आइडिया बहुत है, तो दूसरी टीम को नहीं है। एक तो उनको बड़ा एडवांटेज था, लेकिन जहां वर्ल्ड कप होना है ना, अभी बिल्कुल मस्नूई ग्राउंड तैयार किया गया, वहां पर यूएसए खुद भी नहीं खेला है नासाउ क्रिकेट स्टेडियम में, तो इसलिए यूएसए को एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान को होश के नाखून लेने पड़ेंगे, वरना यूएसए खतरनाक है। अच्छा, हम देख रहे हैं अमर कि शुरू से पाकिस्तान का जो खेलने का स्टाइल है, जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि ओपनिंग में और मिड में ये बिल्कुल सुस्त रवि का शिकार होते हैं, वो जिसे कहते हैं टुक 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 पर चलते हैं, एंड पे जाकर चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो ये कितना बड़ा मसला है, इसको चेंज करने की कितनी जरूरत है वर्ल्ड कप के लिए? पाकिस्तानी बैटिंग का डीजल इंजन है, देर से जाके गर्म होता है। तो बात यह कि ये माइंडसेट है, ये जो खौफ होता है ना विकेट गिरने का, ये इनको तेज खेलने नहीं देता कि यार आउट हो गए तो क्या होगा, एक मैच में फेल हो गए तो क्या होगा। तो जो लोग फेलियर से डरते हैं ना, वो कभी एक सर्टेन गोल अचीव नहीं कर सकते। बिल्कुल, बॉलिंग तो पाकिस्तानी टीम का खासा रही है, हमेशा से हमारी स्ट्रेंथ रही है, तो ये बताइएगा कि कौन सा बॉलर फॉर्म में लग रहा है अभी? तो ये कौन सा मैं फॉर्म कहूँ, वो गद्दे वाला फॉर्म लग रहा है आज तो मुझे, आज तो मुझे हमर आप फॉर्म में लग रहे हैं। सही। उसमें यह है कि देखिए हमारी बॉलिंग खासा थी, लेकिन पिछले एक छह माह से एक साल से स्ट्रगल कर रहे हैं बुरे तरीके से। वो जो हमारी स्ट्रेंथ हुआ करती थी, काइंड ऑफ वीकनेस, क्योंकि बहुत ज्यादा रन दे रहे हैं, क्योंकि टीम के माहौल का फर्क है, बॉलर बुरे नहीं है, माहौल का फर्क है, बहुत ज्यादा तब्दीलियां ये मसले खड़ी कर रही है। तो क्या माहौल चाहिए इनको? इतना तो इनको माहौल दिया गया है, इतनी इनको फैसिलिटीज दी गई हैं, इतने भारी भरकम ये पैसे लेते हैं, और कौन सा माहौल इनको चाहिए? नहीं, मैं उस माहौल की बात नहीं कर रहा था, मेरा कहने का मकसद है टीम में जब बार बार तब्दीली होती है ना, कप्तान तब्दील, पीसीबी चेयरमैन तब्दील, वो बड़ा नेगेटिव डालता है, तो वो साइकोलॉजिकली आपको हिट करता है, पता नहीं कौन कप्तान होगा, हर किसी के साथ मेरी एडजस्टमेंट होगी नहीं होगी, नई सिलेक्शन कमेटी, नया कोच, ये रैपिड चेंजेस बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो स्टेबिलिटी हर एक चीज, जब तक स्टेबिलिटी नहीं रहेगी तब तक परफॉर्मेंस इफेक्ट होती रहेगी, जब तक स्टेबिलिटी नहीं रहेगी परफॉर्मेंस इफेक्ट होती रहेगी। बहुत शुक्रिया अहमद नजीब सती, आपने वक्त दिया सुनो पाकिस्तान को, ये एक लाइन नहीं सारा तजिया कर दिया पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए।